गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और बगड़िया बाल विद्या निकेतन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इन गैमेटोजेनेसिस वी हैव कम्प्लीटेड द स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं इन टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज ओजेनेसिस इन फीमेल्स। आज अपन ओजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फीमेल्स में फीमेल गैमेट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन द ओवरीज। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर्स थी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो थी वो क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। उनसे फर्स्ट डिवीज़न होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, सेकेंड डिवीज़न होता है मियोटिक। उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो चार स्पर्मेटिड को फॉर्मेट करता है। फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो बनते हैं चार। एक स्पर्मेटिड से चार स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसकी वजह से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ठीक है, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा इन द ओवरी। क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होते हैं, ओवा होते हैं। वो कहाँ बनते हैं, इन द ओवरीज। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और फीमेल गैमेट इन द ओवरी। ठीक है, इट स्टार्ट एट द फीटस या एम्ब्रियोनिक स्टेज। अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है मेल्स में, तब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है, स्पर्म्स का बनना स्टार्ट होता है। लेकिन जब फीमेल्स होती हैं उनमें ओजेनेसिस जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर बर्थ कोई भी ओगोनिया या प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती हैं वो नहीं बनती हैं। ओजेनेसिस जो होता है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ओगोनिया। क्या होती है, ओगोनिया या ओगोनियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओगोनिया या ओगोनियम, तो प्लूरल हो जाएगा ओगोनियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओजेनेसिस जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल्स। अभी मैंने आपको जैसे बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज जो फीटस स्टेज होती है वहीं से स्टार्ट जाते हैं ओवरीज का बनना या ओवा का बनना इन फीमेल्स। ठीक है, जब तक ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, तब तक जो ओगोनियास होते हैं वो बहुत ही डीजनरेट हो जाते हैं। जब तक ये प्यूबर्टी स्टेज तक पहुँचते हैं तो ओनली 16,000 या 80,000 जो ओवरीज होते हैं या ओगोनिया होते हैं वो बनते बचते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, अबाउट अ मिलियन ऑफ ओगोनिया फॉर्म्ड इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फिटस ऑन द 25 जो वीक्स होते हैं। फीमेल फिटस जो होता है अगर उसका 25 वीक्स चल रहा है तब तक जितने भी ओगोनिया बनते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं। लेकिन नो ओगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, लेकिन अगर बर्थ हो जाता है उस फिटस का, उस फीमेल का, तब कोई भी ओगोनिया नहीं बनते हैं। 25 वीक्स जो होते हैं फिटस के, फीमेल फिटस के, उसमें ओगोनिया बनते रहते हैं, 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन तक बनते रहते हैं। लेकिन जब उसका बर्थ हो जाता है उस फीटस का, तब कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है, द ओगोनियल सेल स्टार्ट द मियोटिक डिवीजन एंड सेट एज द प्राइमरी ओसाइट। सबसे पहले क्या होता है, जो ओगोनियल सेल होती है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, जैसे स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ था, तब वो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया थे, उनमें फर्स्ट डिवीजन हुआ तो वो क्या बने थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे ही ओगोनियल सेल जो है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और वो क्या बनती है, प्राइमरी ओसाइट। क्या बनता है, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं, इन प्राइमरी ओसाइट पे ग्रैनुलोसा सेल होती है, उनकी कवरिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, उनकी कवरिंग या सराउंडिंग या लेयर बन जाती है, किसकी, ग्रैनुलोसा सेल्स की। प्राइमरी ओसाइट्स कब बनती है, जब ओगोनियल सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न हुआ तो एज ए रिजल्ट क्या मिला, प्राइमरी ओसाइट्स। ध्यान से सुनिए, प्राइमरी ओसाइट्स बन गई। अब प्राइमरी ओसाइट्स में
कवरिंग हो जाती है किसकी, ग्रैनुलोसा सेल्स की, सराउंडेड बाय, इट्स सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा लेयर्ड, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी उस साइड से क्या बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, मैंने अभी बताया था कि ये डीजनरेट होते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ एट द प्यूबर्टी, जब तक बर्थ से ये प्यूबर्टी तक आते हैं तो ये प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो डीजनरेट होते रहते हैं, डीजनरेट होते रहते हैं। तो जब तक ये पहुँचते हैं प्यूबर्टी तक, तो ओनली 60,000 और 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ओवरी इन द फीमेल्स एट द प्यूबर्टी। जब तक ये प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, बनते कितने हैं, मिलियन, एक मिलियन तक बनते हैं जब जब ये फ्यूटस होते हैं। लेकिन जब तक ये प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं तो जो ओवरीज में ओवा होते हैं वो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, और प्यूबर्टी तक आते आते खाली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ईच ओवरी एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, ये और सराउंडेड हो जाते हैं बाय द ग्रेनुलेसा लेयर्स। प्राइमरी फॉलिकल्स आर गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रेनुलेसा सेल्स, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। और इसमें एक सेकेंडरी जो थीका बन फॉलिकल बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल है उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स की और कवरिंग हो गई, मोर कवरिंग, ज़्यादा कवर्ड हो जाते हैं वो ग्रेनुलोसा सेल से, और उनमें एक थीका बन जाती है, थीका मीन्स की कैविटी, क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, तो जिससे वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा अरेंज हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए और उनमें क्या बन जाती है, एक थीका बन जाती है, ठीक है। अब थीका बन गई तो ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है सेकेंडरी फॉलिकल, क्या होती है, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनकी मोर कवरिंग हो गई, पहले कवरिंग थी तो प्राइमरी फॉलिकल बना, अब प्राइमरी फॉलिकल में और ज़्यादा कवरिंग हो गई ग्रेनुलोसा सेल्स की, और उनमें एक थीका बन गया, थीका मीन्स की कैविटी, तो एक कैविटी बन गई, तो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ठीक है। और उसके साथ क्या है, उसमें एक थीका है, थीका मीन्स की कैविटी। अब क्या होता है, ये थीका जो सेल होती है या कवरिंग जो होती है वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो आउटर थीका होती है, आउटर थीका उसको बोलेंगे एक्सटर्ना, और जो इनर थीका होती है उसको अपन कहेंगे इट इज कॉल्ड द इंटरना, ठीक है, इंटरना एक्सटर्ना। आउटर साइड है वो एक्सटर्ना हो जाएगी, इनर साइड वाली थीका जो है वो इंटरना हो जाएगी। इस वाली स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जिसमें एक कैविटी है, एक थीका है, और उसके साथ क्या है, ग्रेनुलेसा सेल्स की मोर सराउंडिंग है, उसको अपन कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। क्या बन गई, टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल जब बनता है तो ग्रेनुलेसा सेल्स की ज़्यादा कवरिंग हो जाती है और उसमें एक थीका आ जाता है, मीन्स की कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर अपन को ऑब्टेंड होती है वो होती है टर्सरी फॉलिकल। अब इस टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, कैविटी बताई थी, है ना, तो टर्सरी फॉलिकल कैरेक्टराइज बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड होता है फ्लूइड, उसको कहते हैं एंटरम। क्या कहते हैं, एंटरम। टर्सरी फॉलिकल है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको कहते हैं एंटरम। सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रेनुलोसा सेल की क्या थी, कवरिंग ज़्यादा हो गई थी, थीका हो गया, तो सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल कब बन जाएगा, जब इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो फॉर्मेट हो जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं एंटरम। आगे बात समझ में, अब टर्शरी फॉलिकल बन चुके हैं, टर्शरी फॉलिकल जो है और प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं, अब इसके बाद क्या होगा, जब एंटरम बन जाएगा या टर्शरी फॉलिकल बन जाएंगे तो प्राइमरी ओसाइट्स और टर्शरी फॉलिकल क्या करते हैं, ग्रोज इन देयर साइज, ये अपनी साइज में ग्रो करते हैं, साइज में ग्रो करके इनमें क्या होते हैं, मियोटिक डिविजन्स होते हैं, साइज में ग्रो करेंगे तो इनमें मियोटिक डिविजन होंगे, एट रिजल्ट क्या बनते हैं, कुछ पॉलर बॉडीज बन जाते हैं और एक बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट, कुछ बन जाएंगे पॉलर बॉडीज और कुछ बन जाएंगे सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट्स जो बनते हैं
ये क्या करते हैं, ये होते हैं डेंस और रिच इन न्यूट्रिएंट एंड द साइटोप्लाज्म, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, साइज में ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। साइज में ग्रो करने का मतलब क्या, उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं या फिर साइटोप्लाज्म उनमें एक्सेस हो गए हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। पोलर बॉडीज तो आगे चलकर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ये न्यूट्रिशन का ही फंक्शन करेंगे इनके लिए, सेकेंडरी ऊसाइट्स के लिए। सेकेंडरी ऊसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं और इनमें डेंस या रिच साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है, इनमें हो जाता है। अब जो टर्शरी फॉलिकल बच गए, ठीक है, साइज में तो बढ़ गए, तो साइज में बढ़ने के बाद पॉलर बॉडी सेकेंडरी ऊसाइट बने। अब टर्शरी फॉलिकल जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन ग्राफियन फॉलिकल्स, इन ग्राफियन फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल डिवीजन हुए, स्पर्मेटोसाइट सॉरी उगोनिया बना, सेकेंडरी ऊसाइट बना और एक क्या बन गया, पॉलर बॉडी। पॉलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगा, इसको न्यूट्रिएंट देगा। सेकेंडरी ऊसाइट क्या करेगा, वो मतलब रिच न्यूट्रिएंट होता है इन साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में उसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। टर्शरी जो फॉलिकल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या बन जाते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी जो ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट जो है ना, उसमें क्या हो जाती है, कवरिंग, ये सराउंडेड हो जाते हैं इन टू लेयर्स। एक तो होता है जोना पेल्यूसिडा और एक होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो इनसे ये कवर हो जाता है, कौन, सेकेंडरी ऊसाइट। टर्शरी फॉलिकल था वो क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, बचा क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट जो होता है उनमें कवरिंग आ जाती है, सराउंडेड बाय टू लेयर्स ऑफ सेल्स, जोना पेल्यूसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा। अब जोना पेल्यूसिडा जो होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर्ड, ये रप्चर्ड होगा तो इनमें क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट में क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट में ओवा है या एग्स है, तो वो क्या हो जाता है, उनका सिक्रेशन होता है, उनका क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उसी को अपन कहते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है, फ्लो ऑफ ओवा, या जब भी इनका क्या हो जाएगा, ये जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाएगी, रप्चर्ड, तो ओवा जो है वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यही क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा है ओजेनेसिस। अगर अपन इसका डायग्रामेटिक बात करते हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं अपन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ओजेनेसिस का, वो देखिए, सबसे पहले क्या बनते हैं, ओगोनिया, प्राइमरी ऊसाइट्स बन जाएंगे, ओगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट्स बन जाएंगे। प्राइमरी ऊसाइट्स पर क्या होंगे, ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड हो जाएंगे प्राइमरी ऊसाइट्स, तब वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं कि भाई उन पे मोर ग्रेनुलोसा सेल्स की क्लेयर्ड आ जाती है या सराउंडेड हो जाते हैं वो, तब वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल क्या कंटेन करते हैं, थीका कंटेन करते हैं, एक थीका कंटेन करते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है, वो अच्छे से क्या हो जाते हैं, वेल, मतलब सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए थीका है, जो आउटर कवरिंग है वो थीका हो जाएगी एक्सटर्ना, इनर है वो इंटरना, थीका इंटरना, और उनमें एक फ्लूड फिल्ड कैविटी आ जाती है जिससे वो क्या बनाते हैं, टर्शरी फॉलिकल बनाते हैं, उसको कहते हैं एंटरम, क्या कहते हैं, एंटरम। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो क्या बनाएंगे, टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जो है उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है। ग्राफियन फॉलिकल के बनने के बाद देखिए आगे फाइनली वो क्या होगा, डिवाइड, तो पॉलर बॉडीज बनती हैं और क्या बनती हैं, सेकेंडरी ऊसाइट्स, क्या बनते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट में क्या होता है, ये रिमेन कवर्ड रहते हैं, इन पे कवर रहता है किसका, दो कवर्ड रहते हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, रप्चर्ड होने में यहाँ सेकेंडरी ऊसाइट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, तो फ्लो ऑफ ओवा जो होते हैं वो होता है ओव्यूलेशन, तो एग जो है वो क्या करने लग जाते हैं, बाहर आने लग जाते हैं इन द ओवरीज, ठीक है। यही क्या है, ओजेनेसिस, ओव्यूलेशन तक ओजेनेसिस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने टेंथ में ही पढ़ा था। अब क्या होगा, देखो ओजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, मेंस की ओवा भी बन चुके हैं और स्पर्म्स भी, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, क्योंकि अब ओवा और गैमिट और मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो दो कंडीशन है, अगर वो फ्यूज हो जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इफ दे डू नॉट फर्टिलाइज, ये दोनों फ्यूज नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगी जो प्रोसेस होती है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, व्हेन द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा देन द फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।